Thank you.
इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूं, 1 प्लस cos स्क्वायर x 1 sin t स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 प्लस cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है, क्या cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पूछे इंटीग्रेशन नहीं, ये क्या होता है साइन टू मतलब माइनस साइन टू डीएक्स बराबर इंटीग्रल, यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ पे प्लस आता, आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, तो साइन टू एक्स डीएक्स मिलके क्या हो गया, साइन टू एक्स डीएक्स मिलके क्या हो गया टू टी, और इसको क्या माने हम टी स्क्वायर, ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू टी डी टी, ठीक है। अब बच गया cos 2x, cos 2x को क्या लिखेंगे, यहां से cos स्क्वायर x बराबर क्या है t स्क्वायर माइनस 1, तुम्हें पता है cos 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर x की जगह इधर दो, आई बात समझ में। तो 2t स्क्वायर बस इस माइनस को जब अंदर गए तो ये माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो 3 की जगह 60 स्क्वायर माइनस 2 की जगह 4 डी की पावर 4 डी, 60 स्क्वायर का इंटीग्रेशन 62 अपॉन 3, बीच से ये कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 4 डी 5 अपॉन 5 प्लस डी के जगह क्या है स्टैंडर्ड, पता आई बात समझ में। Thank you.
ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो e की पावर रूट एक्स dx क्या आ जाएगा, e की पावर रूट एक्स dx क्या होगा, dt, और dt की टू रूट एक्स क्या, ठीक है, और रूट एक्स की वैल्यू निकाल वो निकलेगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये तो लॉग, तो ln e के पावर में रूट एक्स बराबर ln t, पावर आ गया जाता है रूट एक्स, और ln e की वैल्यू वन, तो रूट एक्स बराबर तरीका सीखो, ये सब सवाल देने का इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप का सवाल आ रहा है, कैसे सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई ना बात समझे, नहीं तो कोई वो नहीं है, कोई जरूरी एक सवाल तो लिख लेते हो, बात समझ में आ गई, सवाल देखो और उसको सीखो उससे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
डन। ये करो एकदम आसान सा सवाल। कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाएगा ध्यान में जिसको तुम सोचते रहोगे और पता चलेगा कि क्वेश्चन में कुछ खाली है। ऐसे लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 40 हो गया खत्म। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किससे ये है हां सेकंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर एक्स
मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x टू cot स्क्वायर x क्या होगा, 1, 1 प्लस 2 हो गया है ना। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, sec स्क्वायर x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस 1 ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस 1 आया और ये cosec स्क्वायर x माइनस 1 आया, माइनस 1 माइनस 1 के माइनस 2 हो गया, वो टू कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x ये आया। आई बात समझ में, बेसिकली दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, यार ये बात समझ में, ये सब क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास, अब फिर लेके आओ दूसरा, ये कैसे करें। इसके बाद फैक्टर चालू करें, डिफरेंशिएशन की आधा पढ़े, इंटीग्रेशन की आधा पढ़े, तो फैक्टर पढ़े ठीक है, मिक्स टाइप से पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, एक ही चैप्टर ज्यादा लंबा चल जाए तो थोड़ी मुश्किल है ना। इसके बाद अभी इसी चैप्टर में मुझे बोल रहे हैं, पर इतना बड़ा देखने तो उसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे कर क्वाड्रेटिक वाला सीखा वो स्पेसिफिक है कि वैसा टाइप क्वेश्चन वैसे ही कर, वैसे ही जो तुम बोल रहे हो वैसे वो क्वेश्चन। हो गया, नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर का उसका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और जो डिनोमिनेटर में एक्स है
ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी इस बार बाहर है, बाहर बात कर रहे, ये समझ में आया, अब टू से टू कैंसिल हो गया, एलसीएम लो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो एक्स टाइम्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ तक समझ आता है, एलसीएम लिए दिस प्लस दिस और ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये है और ये कैंसिल हो गया, आई बात समझ में, बस क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला अभी नहीं बना, माइनस यहाँ क्या बचा एक्स अपॉन, ठीक है, सबको पढ़ सकते हो, इसको टीको लो, ये बीटी लिखा है,
थीटा बाय साइन थीटा, और साइन टू थीटा बाहर एक टू की दिशा, और साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा डीटी, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर लो जानते हो वही फॉर्मूला लगे हो कर।
ठीक है यहाँ पर, और इसको फिर सॉल्व करो। अब ये तो अभी गलत क्वेश्चन होंगे, इसको ठीक मानो, मानो वन माइनस एक्स स्क्वायर उसे बी स्क्वायर मान लो, माइनस टू एक्स बी एक्स बराबर टू डी डी, उसे टू कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बी एक्स बराबर डी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, एक एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ठीक है। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी, इसका इंटीग्रेशन यहाँ ले लो, एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी डी डी, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लेता, वन माइनस डी स्क्वायर, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डी रख सकते हो, और ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर डी, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस वन, और डी स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन, क्या हुआ इसका फॉर्मूला बोलो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए